अभी जाके देखते हैं। ओ भाई साहब ये वाला। तो ये दोस्तों अभी हम लोग आए हैं मैपल वैली सर्किट पे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी रेन हो रहा है यहाँ पे, और जो कार की जो लिवरी है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम लग रही है, सेम है नहीं वैसे। ये जैसे मतलब ये मीडियम रेट में चल रहा है। अरे इलेक्ट्रिक कार है ये। ओ भाई साहब ठीक है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है। रेन में हम लोग थोड़ा सा बच गए यहाँ पे। आगे जाते जाते हम लोग कंप्लीट तो कर ही लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे मुश्किल तब होगा जब जब आपका रेन होगा, इसमें मीडियम रेन ही लिया हूँ मैं, उससे ऊपर अगर आप लोगे ना तो बिल्कुल भी ड्राइव करने लायक तो रहेगा ही नहीं। चाहे आप कोई भी असिस्ट लगा लो, ईबीएस लगा लो, कुछ भी लगा लो। स्टीयरिंग व्हील हाइड करने का ऑप्शन तो ऐसा होना चाहिए था वैसे। भले फोर्ज़ा मोटरस्पोर्ट 7 में था ऑप्शन, शायद ऐसा लग रहा है मुझे एक ऑप्शन था हाइड ड्राइवर आर्म्स ऐसा बोल के कुछ था। थोड़ा बाहर निकल के टैक्स के बाहर निकल गया, फिर रिकवर किया, काफ़ी अच्छा से रिकवर किया ये वाला। आगे जाके देखते हैं। ओ भाई साहब ये वाला, यहाँ पे आप बहुत लोग का पेनल्टी लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे जो है ना लोग बहुत हाई स्पीड में ही टर्न लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे तो रोड ही गायब हो गई। भाई साहब रोड कहाँ गई? अरे भाई गेम पहले ढंग से चले तो सही, देखते सब देखते चल रहा है गेम, फिर भी देखो क्या हाल है कि रोड गायब हो रही है बीच से। ये पहली बार देखा ऐसा तो मैंने। इलेक्ट्रिक कार तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। $200 काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें। इलेक्ट्रिक कार अगर आप चलाओगे, गियर तो एक ही होता है इलेक्ट्रिक कार में, गियर अप करने का बस न्यूट्रल करने के लिए डाउन करना पड़ता है एक बार, बाकी तो नहीं है। फॉर्मूला ई जो है ना उसमें 3 गियर होती है। और आजकल तो फॉर्मूला ई में तो बैटरी एक ही बैटरी से पूरा रेस चलता है, पता नहीं कैसी चेंज होगा। पहले जो है कार चेंज होती थी, पूरी कार ही चेंज कर कह रहे थे, एक बंदा आएगा पिक स्टॉप मतलब कार चेंज। फॉर्मूला 1 में पहले कहता पिक स्टॉप मतलब फ्यूल और टायर चेंज होता था, लेकिन अभी फॉर्मूला 1 में भी तो है फ्यूल नहीं होता चेंज, सिर्फ टायर होते चेंज। सर रेन में चलाना काफ़ी, ज़्यादा स्पीड तो नहीं दे नहीं पाऊँगा इसमें, कि ज़्यादा स्पीड जैसे ही दिया तो ख़त्म। स्पीड इतना ही है इस कार का, वैसे इलेक्ट्रिक कार ही है। फाइनल लैप, वाह। तो ये गेम ना 2-3 लैप के लिए ही ठीक है, ये पूरा गेम 2-3 लैप खेलोगे ना बस मन भर जाएगा आपका। अगर दूसरा कोई गेम खेलोगे ना, ऑटोमोबाइल से या ऐसा तो कोर्सा या ऐसा तो कोर्सा कॉम्पिटिशन ही, वो सब खेलने के बाद आप एक लैप के आप 10 लैप खेल लोगे। मैंने ऑटोमोबाइल से तो 18 लैप खेले एक बार, क्योंकि जी नहीं भरा। लेकिन इसमें तो भाई 3 लैप 1 लैप भी काफ़ी है असल गेम में, 1 लैप अगर आप खेल लोगे ना आराम से हो जाएगा, बस हो गया डिलीट कर गेम। सर मैं डिलीट नहीं किया तो कंटेनर बनाने के लिए रखा हूँ मैं। रेन में इलेक्ट्रिक कार का शॉर्ट छ कितना हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रिक जोक था। बैटरी कितनी है मेरी? भाई साहब थोड़ा सा दूर लेके आगे,
बदले लास्ट में भाई मुझे वैसे पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक कार है, मैंने ऐसे रैंडमली लिया था। इतनी सारी कार है ना इसमें, आप पागल हो जाओगे इतने तो। कार्स भर के दिए लेकिन ये चीज़ है, लेकिन ट्रैक ही नहीं है। आप अगर पहला वाला तो गेम देखोगे ना तो इससे अच्छा आप पहले वाला ही ले लो, लेने का तो ऑप्शन नहीं है, कहीं से भी नहीं है अवेलेबल। आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा तब तक आपको फोर्ज़ा मोटरस्पोर्ट्स 7 मिल जाएगी। आप एट आप चाहो तो स्टीम से ले सकते हो, मतलब अभी लेने का मतलब नहीं बनता। आपको अगर लेना ही है ये देखो ये चीज़। चलो ख़त्म नहीं हो गया रेस। फर्स्ट तो मुझे पता ही था कि ये पोर्श मिशन आर है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन बेस्ट 150 है मेरा। चलो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ये कार शायद 240-250 तक तो जाएगी आराम से। ये रहा भाई ये वाला मेरा कार, ये सेकंड इलेक्ट्रिक लिखा ही हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक थर्ड, ये रहा सेकंड और ये फर्स्ट शर्मा। तो फीमेल ट्रैक्टर लिया मैंने यहाँ पर क्योंकि फीमेल का वेट कम होता है तो पावर टू वेट रेशियो में थोड़ा हेल्प मिलेगा मुझे, ये सोच के मैंने लिया था। आप लोग बताना कमेंट करके कि पावर टू वेट रेशियो में कुछ फ़र्क पड़ता है, वैसे पड़ता तो है। आप बताना आपको क्या ख्याल है, ड्राइविंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है या पावर टू वेट रेशियो दोनों में काम आता है।